बसमिल मैं खलील मज़रा आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नाज्रीन इससे पहले कि हम बाकी ख़बरों की तरफ नज़र दौड़ाएँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस्लाम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया इस्लामाबाद में अचानक रेड अलर्ट जारी किया गया और तमाम थानों को नफरी इकट्ठी करने का हुक्म दिया गया एक हज़ार से ज़्यादा नफरी जो है वो इकट्ठी की जाएगी तमाम जो पुलिस वाले हैं उनको शेल फ्राहम कर दिए गए हैं आंसू गैस शेल फ्राहम कर दिए गए हैं ये एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस्लामाबाद में अचानक से रेड अलर्ट जारी किया गया है तमाम थानों को जो है वो हुक्म दिया गया है कि वो नफरी इकट्ठी करें एक हजार से दायर जो है वो नफरी इकट्ठी की जाएगी और तमाम थानों को जो है वो आंसू गैस और शैल जो है वो फ्राहम कर दी गई है इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी किया गया अचानक एक रेड अलर्ट जारी किया गया इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं ये आपको पहले बताएंगे लेकिन ब्रेकिंग न... बाद में बताएंगे लेकिन इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इस्लामाबाद में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया थानों को नफरी इकट्ठी करने का हुक्म दिया गया है और सबको जो है आंसू गैस और शैल है वो फ्राहम कर दिए गए हैं एक हज़ार से जो है नफरी इकट्ठी की जाएगी और कुछ इतलात ये हैं कि बिलू एरिया में आ, कल्सूम नवाज हॉस्पिटल है उसके बाहर भी बहुत सारी जो है सिक्योरिटी इकट्ठी की गई है और वहाँ पर भी एक सख्त पैरा और एक नाक का और कहा कुछ यही जा सकता है मुबैना तौर पर कि वहाँ पर कोई अहम शख्सियत आने वाली है या उसका कोई इलाज होने वाला है दूसरी तरफ लाहौर में भी हलचल है तो इसका मतलब है कि इमरान खान को भी जो है वह गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ हो सकती हैं और जैसा कि इमरान खान के खिलाफ पहले भी कोशिश की गई उनको गिरफ्तार करने की लेकिन अदालतें जो हैं वो उनको तफ़ुज फ्राहम करती हैं और अभी तक उनकी किसी ना किसी केस में वो ज़मानत जो है वो बरकरार रहती है और उनके जो नाकबले वारंट गिरफ्तारी जो है इनके वारंट वो मनसूख किए जाते हैं तो कल जो था एफ एट कचहरी में दो मुखलिफ अदालतों की जानब से इमरान खान के नाकबले वरंट ज़मानत जारी किए गए थे बल्कि उसकी तोसी की गई थी एक जैबा चौधरी केस था जिसमें इमरान खान के नकाबले ज़मानत वरंट जारी किए थे उसके बाद फिर मुबैना तौर पर कहा जा सकता है लेकिन मुख्तफ़ न्यूज़ जैसे जियो न्यूज़ या ए आर वाई या बाकी में ये भी चली कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो हेलीकॉप्टर पर जमान पार्क पहुँच गई है लेकिन बाद में पुलिस ने इस बात की तरदीद की उसके बाद फिर ज़फ़र इकबाल एडिशनल सेशन जज फफ़र इकबाल की अदालत से जफर इकबाल साहब जो हैं उनके तोशाखाना केस में उनके वरंट गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो हाजिर थी सचना की एप्लीकेशन थी उसको एक दफ़ा फिर रिजेक्ट किया और अठारह तारीख को उन्हें पेश होने का हुक्म दिया था तो इस तरह ये ख़तरा पैदा हो चला था कि चूँका इन दो केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इसकी भी आज कुछ ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे रेड अलर्ट जारी किया गया लेकिन फिर इमरान खान के वकला ने आज फिर एप्लीकेशन दी है और इस एप्लीकेशन में जो है वो इमरान खान को 16 तारीख तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी करने से रोक दिया गया है उनकी जो सिक्योरिटी के मतलब उनके वकला ने बताया कि इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है की जानब से कोई सिक्योरिटी नहीं है तो इसलिए इन्हें यह किया जाए कि वो इन्हें जो है वीडियो लिंक के जरिए इजाज़त दी जाए तो अदालत ने हुक्म दिया उनके वकला को किकूमत की जानब से सिक्योरिटी हटाने का जो खत है वो खत अदालत में पेश किया जाए और यानी सोलह तारीख तक उसको पेश किया जाए तो फिर ये है कि सोलह तारीख तक उनकी ज़मानत अभी मतलब है कि वो कोई भी उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकती किसी भी केस में तो फिर ये अचानक रेड अलर्ट जारी करने की क्या वजह हो सकती है आ, जब इस बारे में मुतलक हुकाम से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो पहली तो बात है फ़ोन उठाते नहीं अगर उठाते हैं तो हेलो करके बंद कर देते हैं मतलब ऐसी वजू वजूहत जो उसके क्लियर तौर पर बयान नहीं की जा रही कि आखिर इसमें क्या हो सकता है एक्सरसाइज है रूटीन की या फिर किसी शख्सियत का हॉस्पिटल में आना है या फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना है या फिर और कोई मामला जो रेड जोन है वजीर अदम हाउस है या सदर सदर का जो है मतलब और पार्लियामेंट ये सारा सिलसिला इसको भी जो है वो सिक्योरिटी ज़्यादा देगी और वहाँ पे भी रेड अलर्ट है एक किस्म का तो कुछ खैरानंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि इस मामले में क्या होने जा रहा है बहार फवाद चौधरी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमें कोई ख़ास तफजात नहीं है इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवा रहा है तो फिर ये इलेक्शन जो है वो हम उसका खैर खैर मुकदम करते हैं दूसरी तरफ जो गवर्नर के पी के हैं वो आज इस्लामाबाद में आए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करनी है स्पीकर जो हैं वहाँ के वो वहाँ यहाँ पे आए हैं और अभी जो कुछ देर पहले तक जो गवर्नर सिंध गवर्नर के पी के थी उनकी जो मुलाकात थी वो आ, सदर आरफ़ इलवी से जो है वो आ, जारी थी तो वो मुल्की हालात पर भी इसकी गुफ्तु हो सकती है फिर इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तु हो सकती है बहरहाल इलेक्शन कमीशन में जो है वो आज चार इजलास तलब किए गए हैं तो साढ़े बारह से लेकर तकरीबन पाँच बजे तक ये इजलास जारी रहेंगे जिसमें पंजाब की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा उसके बाद फिर जो के पी के में अलेक्शन है उसके मुतक बात की जाएगी फिर सारे ये मामला वो डिस्कस होंगे जिसमें वो स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे जिसमें वो गवर्नर के पी के से भी मुलाकात की जाएगी आ, इस तरह ये सारे मामला जो हैं वो अभी तक किए जा रहे हैं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया और इसी रेड अलर्ट में एक हज़ार नफरी को तैयार रहने का हुक्म दिया गया बल्कि एक हज़ार नफरी तलब की गई और उनको जो है वो शेल आंसू गैस और शेल भी फ्राह्म कर दिए गए थानों में जो है वो सबको नफरी इकट्ठी करने का हुक्म दिया तो कुछ भी हालात किसी तरह के भी हालात इस टाइम हो सकते हैं बहर बेयनी सी सूरत हाल है और ये सारा मामला कैसे चल रहा है ये आइंदा जैसे जैसे टाइम पास होगा फिर ये आ, सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी बहरहाल इस टाइम की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको देनी थी वो यही है कि जो इस्लामाबाद में वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और दूसरी तरफ जिस तरह रात को एक रैली होती है और रैली में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं और यही रैली थी शायद इमरान खान के बकौल के जिसकी वजह से ये लोग डरते थे और रैली नहीं होने देते थे दो दफ़ा दफा चुताली नाफज की गई और उसके बाद फिर उनके कारकुनों को भी पकड़ा गया इमरान खान ने अपनी तकरीर में ही काफ़ी कुछ वादे किया और इतवार वाले दिन वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो खताब करेंगे और जलसा उन्होंने एक मरक्द करने का ऐलान किया है नारे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल मनारे पाकिस्तान का अब इनका ये तीसरा जलसा होने जा रहा दो हज़ार ग्यारह के बाद पिछले साल और और अभी इस संडे को तो बार इलेक्शन की तैयारियाँ इमरान खान की जानब से जारी की गई हैं लेकिन अभी तक इमरान खान की जानब से अपने जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनका कोई ऐलान नहीं किया गया तो मुख्तलिफ़ हलकों में ये भी चय मगोईयाँ है, जारी हैं कि कौन इस दफ़ा इलेक्ट होगा कौन किसको ये टिकट जारी किया जाएगा बहरहल दूसरी तरफ तोशा खाना का जो सिलसिला है वो भी इस टाइम जारी है और सोशल मीडिया पे एक जंग और एक मजाक सा माहौल है कुछ चीज़ें फेक भी सामने आ रही हैं कुछ चीज़ें रियल भी सामने आ रही हैं लेकिन यह है कि इसका अदालत ने इस रिकॉर्ड को तलब किया और दोबारा इस रिकॉर्ड को तलब किया तो उसका मतलब यह है कि हो सकता है उन्नीस से लेकर अभी तक जो भी ये सिलसिला है इसको दोबारा फिर तोशाखाना का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया जाए जो जोकमती गुजरा हैं जो हुमती अरकान हैं उनका ये मौकफ़ है कि तोशा से जो तइफ हैं वो तो खैर सब ने वसूल किए हैं और जो उसकी मुमकिन कीमत थी उसको और लेके उन्होंने की है क्योंकि इसकी कीमत का तयन हुकूमत ने करना होता है तोशाखाना किसी को जो है वो तोहफ़ा नहीं देता तोह जिसको मिलता है ये उसके पास ही जाता है लेकिन उसकी हुकूमत कीमत मुकर करती है तो उस कीमत को जो है वो पे करके तो सब ने वहाँ से गिफ्ट लिए हैं लेकिन इमरान खान ने चौका इसको अपने अहसासों में डिक्लेयर नहीं किया तो इसलिए इमरान खान के ऊपर घड़ी चोरी और बाकी जो इल्ज़ाम है वो लग रहे हैं और इमरान खान को ऐसे ही चोर ऐसे ही बनाया जा रहा है हालांकि इस बहती गंगा में जो हाथ सब ने ही धोए हैं बहरअल सबसे बड़ी खबर इस टाइम की है कि रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया इंशाल्लाह जैसे फर्दर रिपोर्ट होगी नेक्स्ट कोई इवेंट होगा तो आपको जरूर बताएंगे आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद